गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। पॉजिटिव थिंकिंग रखने पर क्या होता है हमारे साथ, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले थॉट ऑफ द डे। गुरुदेव कहते हैं, कर्तव्य मार्ग में आने वाले कष्टों को स्वेच्छा और शांति से सहन करना ही सच्ची तपस्या है। कर्तव्य से कभी पीछे ना हटें। आइए अब जानते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग से क्या होता है हमारे साथ। जीवन की अन्य बातों की अपेक्षा हम सोचने की यानी थिंकिंग प्रोसेस पर बहुत कम ध्यान देते हैं, जबकि मानव की सफलताओं में असफलताओं में उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। विचारों की शुरुआत मान्यताओं अथवा धारणाओं से होती है। इन मान्यताओं को या तो मनुष्य स्वयं बनाता है या किसी दूसरे से ग्रहण करता है, अथवा ये पढ़ने सुनने और अन्य अनुभवों के आधार पर बनती हैं। हमारा मस्तिष्क अपनी अभिरुचि के विचारों को अंदर प्रविष्ट होने देता है, जबकि जिन्हें पसंद नहीं करता उन्हें निरस्त भी कर सकता है। जिन विचारों का ये चयन करता है उन्हीं के अनुरूप उसकी थिंकिंग प्रोसेस भी चलती है। अधिकांश व्यक्ति ये सोचा करते हैं कि जैसी परिस्थितियां होती हैं वैसा ही हमारा रिएक्शन होता है, जबकि ऐसा है नहीं। हम अभ्यास के द्वारा अपने सोचने के उस ढर्रे को तोड़ भी सकते हैं। परिस्थिति विशेष में लोग प्रायः जिस ढंग से सोचते हैं एवं उनका दृष्टिकोण जैसा होता है, उसे अलग स्तर का चिंतन करने के लिए भी अपने मन को अभ्यस्त किया जा सकता है। मानसिक विकास के लिए, अभीष्ट दिशा में सोचने के लिए अपनी प्रकृति को मोड़ा भी जा सकता है। हमारा मन अलग अलग प्रकार के विचारों को ग्रहण करता है, पर जिनमें उसकी रुचि रहती है चयन उन्हीं का करता है। ये रुचि पूर्व अनुभवों के आधार पर बनी हो सकती है। प्रयत्न पूर्वक नई अभिरुचियां पैदा भी की जा सकती हैं। इच्छित दिशा में मन को कार्य करने के लिए नियंत्रित और विवश भी किया जा सकता है। बंदरों की तरह उछल कूद करना उसका स्वभाव है। एक दिशा अथवा विचार विशेष पर एकाग्र नहीं होना चाहता है मन। नवीन विचारों की ओर आकर्षित तो होता है, पर उपयोगी होते हुए भी उन पर टिका नहीं रह पाता। कुछ ही समय के बाद उसकी एकाग्रता भंग हो जाती है और वह परिवर्तन चाहने लगता है, पर अभ्यास एवं नियंत्रण के द्वारा उसके अंदर के स्वभाव को बदला भी जा सकता है। ये प्रक्रिया समय साध्य होते हुए भी असंभव नहीं है। एक बार एकाग्रता का अभ्यास बन जाने से जीवन भर के लिए लाभकारी सिद्ध हो जाती है। सोचने की प्रक्रिया में विषयों पर एकाग्रता ही नहीं, स्वस्थ और सही दृष्टिकोण का होना भी आवश्यक है। किसी भी विषय पर दो प्रकार से सोचा जा सकता है, नेगेटिव और पॉजिटिव रूप से। परस्पर विरोधी दो ही दिशाओं में एकाग्रता का अभ्यास भी किया जा सकता है। इस महत्वपूर्ण तथ्य को हर व्यक्ति जानता है कि नेगेटिव थिंकिंग से, निषेधात्मक चिंतन से मनुष्य की वैचारिक क्षमताओं में ह्रास होता है, जबकि पॉजिटिव दृष्टिकोण होने से चिंतन का सही लाभ लिया जा सकता है। निषेधात्मक चिंतन से बचने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि अपनी गरिमा पर विचार करते रह जाए और ये अनुभव किया जाए कि मानव जीवन एक महान उपलब्धि है जिसका उपयोग श्रेष्ठ कार्यों में होना चाहिए। निकृष्ट चिंतन मनुष्य को उसकी गरिमामय स्थिति से गिराता है। ये विश्वास जितना सुदृढ़ होता चला जाएगा, विध्यात्मक चिंतन उतना ही अधिक असरकारी होगा। पूर्वाग्रहों और मान्यताओं से ग्रसित होने पर भी सही चिंतन बन नहीं पड़ता। किसी विचारक का ये कथन 100% सच है कि जो जितना पूर्वाग्रही हो वह चिंतन की दृष्टि से उतना ही पिछड़ा होगा। परिवर्तनशील इस संसार में मान्यताओं एवं तथ्यों को बदलते देरी नहीं लगती, इसीलिए मन मस्तिष्क को सदा खुला रहने देना चाहिए। खुले मन से हर विचार को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तथ्यों की ओर से आंखें बंद रखने पर कितनी ही जीवन की उपयोगी बातों से हमको वंचित रहना पड़ता है।
सही विचारना के लिए आवश्यक है कि अपनी पूर्व मान्यताओं, आग्रहों, धारणाओं का भी गंभीरता से पक्षपात रहित होकर विश्लेषण किया जाए। पक्ष और विपक्ष दोनों पर ही सोचा जाए। किसी विषय पर एक तरह से सोचने की अपेक्षा उसके अन्य पक्षों पर भी ध्यान रखकर चिंतन किया जाए। स्वस्थ और यथार्थ चिंतन तभी बन पड़ता है। पॉजिटिव थिंकिंग के लिए आवश्यक है कि आप अपने विचारों को गहराई से देखें, परखें। विचारों का निरीक्षण सिर्फ आप कर सकते हैं, दूसरा आपके विचारों को नहीं बदल सकता, इसलिए आपको खुद ही इसके लिए कोशिश करनी होगी। क्या उचित है और क्या अनुचित, कौन सा कार्य औचित्यपूर्ण है और कौन सा अनौचित्य से भरा, इसका पता लगाना असंभव नहीं है। हम थोड़े से प्रयास से इसमें अपने आप को दक्ष कर सकते हैं। एक समय में एक से अधिक विषयों पर सोचने से भी उथले परिणाम प्राप्त होते हैं। एकाग्रवान बन जाने से विषय की गहराई में जाना संभव हो पाता है। एक से अधिक विषयों पर एक साथ विचार करने से विचारों में भटकाव आता है। किसी उपयोगी परिणाम की आशा नहीं की जा सकती। कई बातों से विचारों को भटकने देने की खुली छूट देने की अपेक्षा उपयोगी ये है कि एक समय में एक विषय पर ही सोचा जाए और जितना सोचा जाए वो पूरे मनोयोग पूर्वक सोचा जाए। कोई भी मनीषी, विचारक, वैज्ञानिक, कलाकार, साहित्यकार समाज के लिए जो कुछ भी दे पाते हैं वो अपने विचारों को भटकने बिखरने देने से रोकते हैं, इसलिए दे पाते हैं। कर्म विचारों के गर्भ से ही पलते हैं। जैसे भी विचार होंगे उसी ढंग की गतिविधि मनुष्य अपनाएगा। जो भी अपने विचारों को कल्याणकारी बनाना चाहते हैं, उपयोगी बनाना चाहते हैं, उन्हें सर्वप्रथम अपनी विचारणा की प्रक्रिया से अवगत होना चाहिए। अनुपयोगी निषेधात्मक को सुधारने, बदलने तथा उपयोगी को बिना असमंजस के स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो इस तरह से आप अपने विचारों को बदल भी सकते हैं और पॉजिटिव थिंकिंग में परिणित भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।